अब बात करते हैं सेकंड पेमेंट की। तो सेकंड पेमेंट मुझे मिली है। hey guys, मैं हूं इनके सैनी और आप देख रहे हैं जुगाड़ ट्रिक। है कोई प्रॉब्लम, है कोई फिक्र, तो सॉल्यूशन ऑन जुगाड़ ट्रिक। आज मैं काफी ज्यादा खुश हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे YouTube चैनल की आप सभी के सपोर्ट की वजह से, आप सभी के प्यार की वजह से सेकंड पेमेंट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड पेमेंट हमारी आ चुकी है। कितनी आई है, फर्स्ट पेमेंट कब आई थी, आप ये पूछोगे, वो भी डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट जो पेमेंट आई थी उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। आज का जो वीडियो वो काफी मोटिवेशनल होने वाला है। एंड में आपको बताने वाला हूँ कि मेरे चैनल पर मोनेटाइजेशन कब हुआ, साथ ही कितना टाइम लगा मुझे फर्स्ट पेमेंट में, साथ ही सेकंड पेमेंट के लिए मुझे कितना टाइम लगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सॉरी गाइज, पिछले एक वीक से हमारे चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही है। कोई भी वीडियो एक वीक से मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके पीछे का रीजन आपको बता देता हूँ। क्योंकि कुछ टाइम से मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, एंड उसी वजह से यहाँ पर जो वीडियो है वो एक वीक से नहीं आ पा रहा था। तो गाइज, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा जो चैनल है जुगाड़ ट्रिक, उसका नाम पहले हेल्प एनी टाइप था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यदि आप पुराने यूजर हो तो इसका नाम पहले हेल्प एनी टाइप था, लेकिन मैंने चेंज करके जुगाड़ ट्रिक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है नाम चेंज हो चुका है। नेम चेंज करने में क्या कोई प्रॉब्लम आती है, यदि आप ये जानना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो अंडर रिव्यू में कब गया मोनेटाइजेशन के लिए। तो मेरा जो चैनल है वो 22 मार्च 2020, जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च 2020 को मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल जुगाड़ ट्रिक वो अंडर रिव्यू में गया था। एंड उसके बाद आप सभी को बताइए 23 मार्च से लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन से ठीक एक दिन पहले मेरा चैनल अंडर रिव्यू में गया था। एंड उस टाइम जितने भी चैनल अंडर रिव्यू में गए थे उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगा था, अंडर रिव्यू में काफी दिन तक वो रहे थे, एंड मोनेटाइज होने में काफी लॉन्ग टाइम लगा था। क्योंकि उस टाइम 50% एक तो जो है यूट्यूब की टीम काम कर रही थी, स्टाफ जो है 50% वर्क कर रहा था। एंड उसके बाद हमारा जो चैनल फाइनली काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वेट करने के बाद 10 अप्रैल 2020 को हमारा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल जो है हो चुका था मोनेटाइज। अब बात करते हैं फर्स्ट पेमेंट की। तो फर्स्ट पेमेंट कब मुझे मिला एंड उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, मुझे लेट पेमेंट क्यों मिली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मुझे जो फर्स्ट पेमेंट है वो मिलने में लगभग जो है साल भर का समय लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 11 महीने का टाइम लगा था फर्स्ट पेमेंट आने में। सेकंड पेमेंट आने में कितना वक्त लगा वो भी बताऊंगा, फर्स्ट पेमेंट कितनी आई वो भी बताऊंगा। ये आपके लिए काफी मोटिवेशनल होने वाला है। कुछ ऐसे टिप्स आपके दूंगा जिससे कि आपके YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए, जैसे ही आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होता है उस टाइम आपको एड लगाते समय प्रॉब्लम रहती है, यदि आपके कम व्यूज आते हैं तो। स्टार्टिंग में हमारे भी व्यूज कम आते थे, अभी भी उतने अच्छे व्यूज नहीं आते हैं। अगर आपका प्यार सपोर्ट रहा तो काफी अच्छे व्यूज भी यहाँ पर आने लग जाएंगे, तो प्यार सपोर्ट जरूर दिखेगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है, बाकी यूट्यूबर्स जिनका मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है उनको यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो लोग करते हैं, सबसे बड़ी जो इश्यू होता है उनका यही होता है कि स्टार्टिंग में अपनी सभी वीडियोज का मोनेटाइजेशन ऑन कर देते हैं। जिन भी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं या काफी कम व्यूज आते हैं, मान लीजिए 10 व्यूज 5 व्यूज इस तरह के व्यूज आते हैं, स्टार्टिंग में कम व्यूज होने की वजह से CTR हाई हो जाता है, एडसेंस का जो CTR है वो हाई हो जाता है, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के तहत उनका जो चैनल है वो डिसेबल्ड कर दिया जाता है, मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड कर दिया जाता है। कैसे अपने चैनल को मैंने बचाया वो आपको बता देता हूँ। तो मैंने चैनल को बचाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को लगभग 4 से 5 महीने मोनेटाइज ही नहीं किया, यानी कि अपनी किसी भी वीडियो को मैंने मोनेटाइज ही नहीं किया, किसी पर एड भी नहीं लगाया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था, आप सभी को बताया कि मार्च 2020 से लगभग मई तक जो है लॉकडाउन था, एंड उस सिचुएशन में वीडियोस पर काफी कम व्यूज आ रहे थे, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो कैटेगरी है वो है ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन शॉपिंग के ऑफर से रिलेटेड एंड अर्निंग एप से रिलेटेड। तो उस टाइम क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट सारी बंद थी, सभी पर टेम्परेरी बैन लग चुका था, उस टाइम जो है शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे लोग, एंड उस वजह से हमारे यूट्यूब चैनल पर काफी कम वीडियोज गई थी, काफी कम व्यूज आ रहे थे। उस कंडीशन में यदि मैं एड अपना जो ऑन करता तो मुझे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी। ऐसे में मैंने वहां पर जो एड ऑन नहीं किए, लगभग मैंने अगस्त के महीने में जो एड स्टार्ट किए अपने वीडियोस पर, एंड काफी कम वीडियोस पर ही मैंने एड स्टार्ट किए। आज भी मेरी जो वीडियोस है टोटल उन सभी पर
एड्स नहीं आते होंगे, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। सभी पर मैंने एड आज भी नहीं लगाए हुए हैं क्योंकि काफी सारी वीडियोस ऐसी हैं जिन पर व्यूज नहीं आते हैं, पुरानी वीडियोस हैं, उनके ऑफर एक्सपायर हो चुके हैं इसलिए उन पर व्यूज नहीं आते हैं। आज भी मैंने वो वीडियोस मोनेटाइज नहीं की हुई है, इसी वजह से मुझे जो है फर्स्ट पेमेंट आने में लगभग 11 महीने का टाइम लग चुका था। मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है वो फरवरी में आई थी। फर्स्ट जो पेमेंट है मेरी आई थी 8078 रुपीज, फाइनल है ये। कटने के बाद 45 रुपीज यहाँ पर जो है काटा जाता है, जैसे आपकी पेमेंट आएगी उसमें 45 रुपीज मेरे दोनों बार कटे हैं एंड यहाँ पर 45 कटने के बाद 8078 रुपीज मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी, जो कि उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। फिर भी यहाँ पर $129 की मुझे जो है अर्निंग मिली थी एंड उस टाइम डॉलर के जो रेट्स है वो कम थे, लगभग 70 रुपीज के आसपास प्राइस थी उस टाइम डॉलर की, तो मुझे लगभग यहाँ पर जो प्राइस मिली वो कम मिली, इसी वजह से मेरी 8078 रुपीज ही यहाँ पर अर्निंग हुई है। अब बात करते हैं कि सेकंड पेमेंट मुझे कब मिली। फर्स्ट पेमेंट की जो डेट है वो आपको साइड में दिखाई दे रही है, 25 फरवरी 2021 को मुझे फर्स्ट पेमेंट मिली। अब बात करते हैं सेकंड पेमेंट की, सेकंड पेमेंट मुझे कब मिली एंड इसमें कितना ज्यादा टाइम लगा है। अब बात करते हैं सेकंड पेमेंट की, तो सेकंड पेमेंट मुझे मिली है 26 अगस्त 2021 को मुझे YouTube की सेकंड पेमेंट रिसीव हो चुकी है। कितनी रिसीव हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड जो है कितने डॉलर रिसीव हुई वो भी बताऊंगा, तो चलिए पूरी डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सेकंड पेमेंट की बात करें तो 26 अगस्त को यानी कि 26 अगस्त 2021 को मुझे जो है रिसीव हो चुकी थी मेरी सेकंड पेमेंट। जैसे ही मैं एग्जाम देने जा रहा था उससे 5 मिनट पहले मेरे पास ये मैसेज आया था कि मुझे जो है अपने अकाउंट में मेरी जो YouTube पेमेंट है वो रिसीव हो चुकी है, जिसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। एंड इसके बाद मैं जो आपको बता देता हूँ कि कितनी पेमेंट मुझे मिली थी सेकंड पेमेंट। जो सेकंड पेमेंट है वो हमारी आई है, आप सभी के यूट्यूब चैनल अर्निंग है सेकंड पेमेंट, वो आई है 8144 रुपीज। टोटल $117 की अर्निंग हमें मिली है। वैसे तो पिछली बार से ज्यादा अर्निंग है लेकिन डॉलर में देखी जाए तो पिछली बार से कम अर्निंग है। इसमें मुझे लगभग 6 महीने का टाइम लग चुका था। इतना टाइम कैसे लगा उसका भी कारण है सेकंड लॉकडाउन। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार भी अप्रैल मई में जो है यहाँ पर लॉकडाउन लगा था, पिछली बार मार्च में लगा था, मार्च अप्रैल में, इस बार जो है अप्रैल मई में लगा था, जून तक ये लॉकडाउन चला था लगभग एंड उसके वजह से व्यूज काफी ज्यादा डाउन हो चुके थे एंड अर्निंग भी डाउन हो चुकी थी, तो यहाँ पर लगभग 3 महीने वेस्ट हो चुके थे एंड हमारे चैनल पर व्यूज भी उस टाइम काफी कम आ रहे थे। इस वजह से लगभग 6 महीने का टाइम मुझे लग चुका है यहाँ पर सेकंड पेमेंट लेने में एंड सेकंड पेमेंट आने में 6 महीने का टाइम लग चुका है। अब जो थर्ड पेमेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, कितना वीडियोस को देखते हो, कितना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि थर्ड जो हमारी पेमेंट है वो कितने टाइम में आने वाली है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 1.5 साल के अंदर यहाँ पर जो चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ है उसके 1.5 साल के बाद लगभग मुझे यहाँ पर 16,000 रुपीज अर्निंग हुई है, जो कि काफी कम है अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं यहाँ पर लगातार वर्क करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मैं यहाँ पर पूरे पैशन के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ YouTube पर वर्क कर रहा हूँ एंड इसके साथ ही आगे भी वर्क करने वाला हूँ। यदि आप लोगों का प्यार सपोर्ट इसी तरह मिलता रहेगा तो यहाँ पर आपको काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। आपको जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, यदि आप अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम एक सिंगल वीडियो से कंप्लीट करना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन से स्ट्रेटजी फॉलो की जिससे 4000 घंटे से भी ज्यादा का वॉच टाइम कंप्लीट में कर पाया, एक वीडियो से मैं 4000 घंटे से ज्यादा का वो टाइम कंप्लीट कर पाया। यदि वो स्ट्रेटजी आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप जो है यहाँ पर वीडियो को वायरल कैसे कर सकते हो, क्योंकि मेरी काफी सारी वीडियोस वायरल हैं। हर एक वीडियो वायरल करना किसी भी यूट्यूबर के लिए संभव नहीं है यदि उनके पास ऑडियंस की कमी है। जैसा कि आपको बताया हमारे चैनल पर 4.38K सब्सक्राइबर है, 4380 सब्सक्राइबर है, लेकिन उसके बाद भी मेरी कई सारी वीडियोस पर 50,000 से ज्यादा व्यूज है, किसी किसी वीडियो पर 70,000 से ज्यादा व्यूज है, किसी पर 50,000 से ज्यादा व्यूज है। तो वो कैसा है, कैसे वो वीडियोस वायरल हुई एंड कैसे उन पर लगातार व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आपको मैं इस चैनल पर आगे बताने वाला हूं। यदि आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो में कमेंट करोगे तो वो वीडियो जो है जल्द से जल्द आने वाली है,
जिसमें मैं 4000 घंटे की स्ट्रेटजी पूरी बताने वाला हूँ। उम्मीद है इस वीडियो से आप मोटिवेट हुए होंगे। यदि आप एक यूट्यूबर हो तो यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर जो पेमेंट है, जो अर्निंग है, वो मिलने वाली है। एंड यदि आप जानना चाहते हो कि मैंने कौन से स्ट्रेटजी यूज की जिससे काफी सारी वीडियोस मेरी वायरल हुई है, यदि वो आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो भी मैं अपनी जो यहाँ पर स्ट्रेटजी है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यहाँ पर और भी लोग मोटिवेट हो सके। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।